बात है जी। रंगत देखिए एक बार, ग्रेवी देखिए, इसका कलर देखिए, शानदार सा सरम थिक ग्रेवी है अंडा कड़ी का, और इसके और पुआल पे जो है मिट्टी का लेप लगा करके उसको बनाया। अच्छा लग रहा है कि इस तरह बैठ के बहुत कम जगह देखने को मिलता है कि है, और इसी चूल्हे पे जो है सारा खाना बनता है, मतलब पूरा है टेंगड़ा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरी इस नई सी वीडियो में। और अभी हम लोग कहाँ घूम रहे थे, NS30 पे। ये देखिए सामने बिल्डिंग दिख रहा होगा आपको, ये है NSIC का बिल्डिंग, हॉस्पिटल है। और यहीं पे एक शानदार सा ढाबा दिखा मुझे, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बिहारी ढाबा। यहाँ देखिए आप जैसे यहाँ पे आएंगे ना, आपको ये बोर्ड दिखेगा जिस पे लिखा हुआ है द बिहारी चाय, बिहारी ढाबा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ मिलने वाला आपको। और अंदर आके दिखाते हैं कि अंदर का जो है पूरा सिनेरियो कैसा है और क्या क्या यहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है खाने के लिए। आइए दिखाते हैं एक बार अंदर का सिनेरियो कैसा पे है और क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पे। तो आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे आपको दिखेगा ये चाय का काउंटर जिस पे लिखा हुआ है द बिहारी चाय, और ऊपर लगा हुआ है बोर्ड। और अंदर आते ही आपको कुछ ऐसा यहाँ का सीन दिखेगा। ये देखिए पूरा जो है, सबसे अच्छी बात बताया कि आइए देखिए, ये जो है ना दीवार आपका ये पूरा मिट्टी के लेप से बना हुआ है, मतलब ये पुआल है और पुआल पे जो है मिट्टी का लेप लगा करके उसको बनाया गया, मतलब पूरा ढाबा स्टाइल का, गांव के स्टाइल का पूरा फील दिया गया। यहाँ लिखा हुआ जिंदगी ढंडवा फिर भी, हाँ पता ना आपको, ये सब बिहार का जो है अपना लैंग्वेज है, अपना जो है गर्दा उड़ा दिए, और एक बकैती, गर्दा, बकचोदी, सब ये सब जो यहाँ पे है सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए बकलोल है, बकचोंधर है, और एक बैक है, मतलब ये सब वर्ड को हम लोग यूज़ करते हैं, बिहार के लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ऐसी ऐसी वर्डों को ना ये लोग यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। और ये है इनका मेन्यू, बिहारी चाय मेन्यू है जिस पे लिखा हुआ है चाय, हॉट कॉफ़ी, स्पेशल कुकीज़ जो भी है। और ये ऐसा कुछ बैठने का अरेंजमेंट किया गया है, यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं आराम से तो आप यहाँ पे आराम से आ करके लेट भी सकते हैं, थके हुए हों तो आप यहाँ पे आ करके लेट भी सकते हैं। ये दिखाते हैं, ये यहाँ पे जो है ये काउंटर है, और यहाँ पे लगा हुआ है इनका मेन्यू जिस पे देहाती मटन, चिकन, फिश, पराठा, अंडा कड़ी, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। और एक बार दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है आज के दिन में। ये चूल्हा कुछ ऐसा है, और इसी चूल्हे पे जो है सारा खाना बनता है, मतलब पूरा जो है देहात वाला फीलिंग आपको देगा, गांव वाला फीलिंग आपको देगा। तो यहाँ दिखाते हैं क्या क्या रखा हुआ है, और फिर किस चीज़ों को लेंगे, करेंगे टेस्ट, बताएंगे कि टेस्ट कैसा है। एक चीज़ और दिखाते हैं आपको यहाँ पे, ये देखिए ये हुक्का, मतलब जो लोग बाहर से आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, तो उनको हुक्का भी अवेलेबल कराया जाएगा। चलिए एक बार देखते हैं क्या क्या इनके पास खाने के लिए आज है। तो जी ये है दुकान के ऑनर, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस तरह बैठ के बहुत कम जगह देखने को मिलता है कि। तो अच्छा ये बताइए कि आप तो दानापुर से हैं। जी बिल्कुल। इतना दूर दुकान खोलने का रीज़न है? देखिए पहला तो हम लोग हाईवे पे इसको एक्सप्लोर करना था, और बिहारी कल्चर लोग जाने हाईवे पे, अदर स्टेट के बहुत सारे लोग जी बिल्कुल पास करते हैं हाईवे से, तो यहाँ बिहारी कल्चर और बिहारी फूड को टेस्ट कराना, बिहारी चाय को टेस्ट कराना, ये मेन मकसद था। मतलब चाय भी टेस्ट कराना है और फूड भी टेस्ट कराना है। हम लोग मटन कैसे बनाते हैं, हम लोग चिकन कैसे बनाते हैं, हम लोग वेज भी खाना कैसे बनाते हैं, दाल तड़का कैसे बनाते हैं, तो ये सारा खाना हम लोग उनको टेस्ट कराएं और बिहार का कल्चर भी जाने, बिहार का वर्ड्स भी सीखें, अदर स्टेट के लोग जो यहाँ लिखा हुआ बकचोहर नहीं ऐसे करके, तो ये सब बड़ा अच्छा लग रहा देख करके। और आज क्या क्या अवेलेबल है पास खाने के लिए? आज अभी अंडा कड़ी मिल जाएगा, देहाती चिकन मिल जाएगा, फिश मिल जाएगा, फिश में आपको टेंगड़ा मिलेगा और रेहू मिलेगा। अच्छा दोनों मिलेगा, दो वेरायटी। तो ये है यहाँ के शेफ मिस्टर धीरज गुप्ता जी, है ना, क्या क्या बनाए आज? आज बनाए आपका टेंगड़ा मछली है, ये इनका टेंगड़ा मछली है, रेहू है, ये है इनका रेहू मछली, ये अंडा कड़ी है। अच्छा अंडा कड़ी भी है, वाह। ये मछली का ग्रेवी है वो, ये है इनका मछली का ग्रेवी, और बिल्कुल बिहारी स्टाइल का मछली का ग्रेवी है, एकदम जो रंग दिख रहा है सरसों का, सरसों से बना हुआ है ये। अच्छा जो रंग दिख रहा है उसको ऊपर का वो बहुत शानदार लग रहा है, ये देखिए ये क्या है, ये आपका ग्रेवी भी है और चना मसाला है। चना मसाला मतलब वेज वालों के लिए, वेज है ना, वालों के लिए ये बहुत शानदार। तो चना मसाला ये वेज वालों के लिए चना मसाला, और लग रहा है ऐसा मानो कि, ऐसा मानो लग रहा है कि ये इनका चिकन या मटन का ही कुछ ग्रेवी है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। और ये हमारा चिकन, ओहो भाई साहब क्या बात है जी, रंगत देखिए एक बार, ग्रेवी देखिए, इसका कलर देखिए, शानदार सा पीस दिख रहा है, और ये बोलते हैं कि देहाती इनका चिकन है, है ना, बहुत सुंदर। क्या खाओगे, बार बार आओगे, एक बार खाओगे बार बार आओगे, दानापुर से पटना सिटी से पूरे इंडिया में स्वाद से पहचान देना है, बिहार का पहचान देना है। एक बार दिखाइएगा फिर से, खुशबू बहुत शानदार इसका है, और रंगत बहुत शानदार निखर के आ रहा है, ये देखिए वाह। तो एक बार देखिए हम लोग करते हैं, और उसके बाद ये क्या है यहाँ पे, ये अंडा कड़ी है, ये इनका अंडा कड़ी है।
अच्छा ये चार पीस नहीं बचा है। इतने बचा है बस, मतलब चार पीस यहाँ पे और चार पांच पीस वहाँ पे, बस सब कुछ खत्म हो गया। टाइम कितना हो रहा है? लगभग 2 बज रहा है। हाँ, और एक, दो बस 1:50 का हम लोग 11 बजे से देना चालू कर जाते हैं। हाँ, और लगभग समथिंग 2 बजे तक फाइनल। अच्छा, तो कस्टमर आज भीड़, मतलब नॉर्मली कस्टमर यहाँ कैसा कस्टमर होता है? लोग तो चलेगा ना खाकर। अच्छा, बहुत से लोग हमारे हॉस्पिटल है सामने में, ढाबा के सामने हॉस्पिटल है, वहाँ के बहुत सारे लोग हैं, कस्टमर लोग हैं जो 12:30-12 बजे तक खा के चले जाते हैं। खा के जाते हैं, समथिंग थोड़ा बहुत बचे। एक बार दिखाई चला के हल्का, एक बार इनका रंगत देखिए। ये ग्रेवी है सर, हम थिक ग्रेवी है अंडा कड़ी का। और इसके बाद जो हम लोग करते हैं, हम लेते हैं प्लेट को लगवाते हैं और अब करते हैं टेस्ट, क्योंकि खुशबू बहुत शानदार निकल के आ रहा है। करेंगे टेस्ट, बताएंगे कि क्या खाएंगे। मुझे सब खिलाइए ना, अंडा कड़ी दीजिए, चिकन दीजिए और एक फिश दे दीजिएगा। फिश का मूढ़ी लेंगे, मूढ़ी ले लीजिए। मूढ़ी रेहू का है, मूढ़ी ना ये रेहू का। ठीक है, तो एक मूढ़ी ट्राई करेंगे और चिकन ट्राई करेंगे और अंडा कड़ी ट्राई करेंगे। चल तो दोस्तों, फाइनली जो है हमारा प्लेट जो है वो पूरा आ चुका है। ये है पूरा प्लेट में, एक प्लेट में लिया है हम लोगों ने लिया है रोटी, चावल, दिखेगा आपको अंडा कड़ी और इस तरफ दिखेगा आपको शानदार सा एकदम चिकन और यहाँ पे रखा हुआ है आपको फिश। एक है रेहू का फिश, एक है और एक पेटी लिया है और एक आपको टेंगरा है। ये देखिए टेंगरा मछली है। आइए आप करते हैं एक बार टेस्ट। ग्रेवी देख लिया आप लोगों ने, सबका ग्रेवी कैसा है। सबसे मस्त लग रहा मुझे ये इनका चिकन का शानदार सा ग्रेवी, एकदम तेल जो ऊपर तैर रहा है और कलर बहुत सुंदर है, खुशबू बहुत लाजवाब निकल के आ रहा है। इसके बाद जो यहाँ पे अंडा करी और अंडा करी का ग्रेवी जो है ना, ये देखिए बिल्कुल थिक ग्रेवी है, ये देखिए बिल्कुल थिक ग्रेवी है। और अब करते हैं हम टेस्ट यहाँ के चिकन को और लेते हैं एक बार चिकन का लेग पीस। ये देखिए आप, प्रॉपर तरीके से पका हुआ देख रहे हैं, बस छूइए और खुल के हाथ में आ गया। वाह क्या बात है। इसके बाद थोड़ा सा ग्रेवी लेंगे, हम ग्रेवी लेंगे थोड़ा सा और अब करते हैं टेस्ट हम चिकन करी और रोटी का, बिहारी ढाबा का चिकन करी और रोटी। शानदार सा चिकन करी है, हल्का तीखा है, जैसे बिहार में होता ना जब खाते हैं आप तो मसाला लगता है आपको मुँह में कि हाँ मसाला खा रहे हैं, उस तरीके का हल्का तीखा है, बहुत शानदार है। चिकन जो है प्रॉपर तरीके से एकदम पका हुआ, देखिए आप बिल्कुल पका हुआ है, अच्छे तरीके से घुला हुआ है और टेस्ट बाकी में बहुत ज़्यादा लाजवाब है। प्याज गला प्याज है, टेस्ट बहुत बढ़िया है। ये है कलेजी का फिर, तोड़ते थोड़ा कलेजी को भी और करते हैं इसको भी ट्राई डिप करके रोगन के अंदर में। बहुत बढ़िया सफाई यहाँ आपको मिलेगा, टेस्ट जैसा कि खा रहे हैं तो दिख रहा है कि टेस्ट भाई साहब है। और अब ट्राई करते हैं यहाँ का अंडा करी। ये देखिए शानदार सा, ये है गर्मा गर्म सा एकदम अंडा कड़ी और इसका जो ग्रेवी है ना बिल्कुल टाइट लग रहा है, मतलब एकदम थिक ग्रेवी है। तो इसको करते हैं हम टेस्ट एक बार, ग्रेवी और अंडा कड़ी देख रहे हैं एकदम लाजवाब लग रहा है। तेल जो हल्का हल्का दिख रहा होगा आपको ऊपर में और ये है दालचीनी। आइए भाई, ये आपको मिलेगी तीखा यहाँ पे, जब गोलकी का मिर्च का मसालों का अच्छा खासा यूज़ किए हैं तो आपको बिहारी स्टाइल वाला पूरा खाना जो है ना फील देगा आपको। यहाँ भाई स्पाइसेस इसके अंदर में है लेकिन मज़ा आया खा करके। लाइट फ्लेवर नहीं इसका है, फ्लेवर लाइट नहीं है लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। आइए अब बारी है टेस्ट करने की यहाँ के फिश को। यह है टेंगड़ा और ये है रेहू, हालांकि बहुत मैं कम ट्राई करता हूँ फिश को
लेकिन यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने लिया इसको ट्राई करने के लिए। ये फिश डिप किए सरसों का जो होता है ग्रेवी, इसका करते हैं इसको टेस्ट। टेस्ट बढ़िया है, लेकिन आपको यहाँ पे जैसे ये बोला आपको कि ये बिहारी डिश है, तो बिहारी डिश में आपको चिकन में, एक करी में, मटन में भी हो सकेगी आपको स्पाइसेस मिलेगा। तेल दिख रहा होगा आपको, ऊपर में रोगन दिख रहा होगा। टेस्ट बहुत बढ़िया है, प्राइस बहुत बढ़िया है, प्राइस भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो रोटी भी है, चावल भी है, एक बार ट्राई करते हैं हम लोग चावल के साथ यहाँ का चिकन, क्योंकि चिकन वाकई में बहुत लाजवाब है। ले लिए थोड़ा सा ग्रेवी और एक चिकन का थोड़ा सा पीस, इसको लपेटते हैं और करते हैं इसको टेस्ट हम। तो आखिर में टेस्ट काफ़ी बढ़िया है, प्राइस अच्छा है और स्वाद भाई साहब लाजवाब है। तो हम ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, बहुत दूर पहुँचे हैं और इतने दूर आने के बाद भाई साहब इस टेस्ट को खाने के बाद मज़ा आ गया। तो ख़त्म करते हैं वीडियो को और मिलते हैं नई जगह पे। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भाई को फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे। तब तक के लिए बाय बाय।